मैं पूजा पिथलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास फर्स्ट का हिंदी व्याकरण का पांचवा लेसन पढ़ाऊंगी वाक्य, है ना। देखो, देखिए, पढ़िए और समझिए, है ना। पहले अपन पढ़ते हैं, जैसे लड़की प्लस पढ़ प्लस रही है तो क्या वाक्य बन गया, लड़की पढ़ रही है। हिरन प्लस दौड़ प्लस रहा प्लस है, हिरन दौड़ रहा है। मोर प्लस नाच प्लस रहा है, मोर नाच रहा है। माताजी प्लस खाना प्लस पका प्लस रही प्लस है, माताजी खाना पका रही है। पक्षी प्लस उड़ प्लस रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। छात्र प्लस स्कूल प्लस जा प्लस रहे प्लस हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा कि शब्दों के मिलने से क्या हुआ, शब्दों के मिलने से क्या बना, वाक्य बनता है और वाक्य का एक अर्थ होता है। हर कोई वाक्य नहीं बना सकते, है ना। जिस वाक्य का कोई अर्थ होता है वह सही वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है और वाक्य का एक अर्थ होता है ना। अब देखेंगे नीचे चित्र को देखिए, उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए, है ना। ये पहला है क्वेश्चन, क मोर का चित्र दे रखा है ना। तो मोर के बारे में अपने को दो वाक्य बनाने, तो एक वाक्य मैंने बना रखा और एक वाक्य को आपका होमवर्क है। जैसे मोर के बारे में मैंने कहा लिखा, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर के बारे में और कुछ भी लिख सकते हैं, बुक में भी आया मोर, जैसे नाच रहा है, मोर बहुत सुंदर होता है, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, कुछ भी इसको वाक्य आपको बनाना है। ख कमल का फूल दिख रहा है ना आपको चित्र में, तो मैंने बनाया यह कमल का फूल है और इसके बारे में एक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है। एक एक वाक्य आपका होमवर्क है, ये आपको बुक में करना है, ठीक है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य लिखिए, जैसे बंदर पेड़ बैठा पर है, इसको सही वाक्य में लिखना है, सही क्रम में, है ना। बंदर पेड़ पर बैठा है। नाम मेरा पायल है, तो मेरा नाम पायल है। पार्क खेल है बच्चे रहे में, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है घर तुम्हारा, तुम्हारा घर कहाँ है, ये भी आपको बुक में करना है ना। फिर मैं वाक्य किसे कहते हैं उसका आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है। और ये है नीचे क्रियाकलाप, अपने बारे में अच्छा वाक्य लिखिए, कुछ भी लिखना है ये आपको खुद ही करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है। ओके, वाक्य को समझ में आया ना। शब्दों के मिलने से क्या बनता है, वाक्य बनता है ना। वाक्य का कोई अर्थ होता है, हर कोई वाक्य नहीं बनाना है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जिस वाक्य का कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है ना, ठीक है। ओके।